अच्छा, 10वीं की शुरू पहली आपके यहाँ पर गणित का सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा एक ही वीडियो में, ठीक है। आपको कहीं भी यहाँ पर भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा आपके यहाँ प्रश्न एक से लेकर प्रश्न 23 तक फुल सॉल्यूशन कराएंगे, बिल्कुल आपके यहाँ पर राइट आंसर कराए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही आपका यहाँ पर सेट ए और बी दोनों का सोल्यूशन हम डाल चुके हैं सभी विषय का। आपका यहाँ पर इस वीडियो में आपका यहाँ पर गणित विषय का सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, आपका जो यहाँ पर गणित विषय का पेपर है वो यहाँ पर हम संपूर्ण उत्तर सहित कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता हुआ कि यहाँ पर सोल्यूशन करने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आपका यहाँ पर आता है, आपका यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो पहला आता है आपका यहाँ पर, ठीक है, पहला आपका आता है किसी त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर ए बी तथा सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, ई सी बराबर 8 सेंटीमीटर और बी बराबर 12 सेंटीमीटर, डी ए होगा। तो ये इसका आंसर रहेगा, वो रहेगा आपका पहले का, ठीक है, पहले का आपका यहाँ पर 3 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए गुणे बी बराबर 432 और एस सी एफ आपका ए बी का, ठीक है, यानी एल सी एफ आपका यहाँ पर 6 है, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, आपका यहाँ पर एल सी एम ए बी बराबर आपको बताना है, यानी आपको एल सी एम निकालना, ठीक है, दूसरे का। तो दूसरे का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है 72, ठीक है। हमको यहाँ पर जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है हम आपको यहाँ पर समझाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर समझाने का काफ़ी टाइम लग जाता है और वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम आपको सीधे यहाँ पर आंसर बताते जा रहे हैं, तो आपको अपनी कॉपी लिखती जाना, सभी आपको राइट आंसर कराए जाएंगे, इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तीसरा आता है जी किसी दो के साथ बहुपद एक्स के साथ दो और प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, ठीक है। जो तीसरा है, तीसरे का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा सी भट्टी में ए, ठीक है। और जो हमने आपको पहला आंसर बताया, थोड़ा इसमें डाउट है पहले वाले में, ठीक है, पहले वाला थोड़ा आपको यहाँ पर, लेकिन जो आपका रहेगा जहाँ तक आपका बी करेक्ट आंसर ही रहेगा, लेकिन थोड़ा देख लेना, ठीक है। चौथा आपका आता है यदि ए वन भट्टे में ए टू, ठीक है, बराबर नहीं है बी वन भट्टे में बी टू, तो रेखीय समीकरण युग्म में ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो का, यहाँ पर जीरो का, ठीक है, आपको बताना एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अंतः अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं, तो आपका यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा, चौथे का आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर रहेगा, एक अद्वितीय हल होगा। अब चलिए, आपका यहाँ पर आता है पाँचवा, श्रेणी 6 12 18 का कौन सा पद चौवन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका नौवां, ठीक है, आपका पाँचवें का जाएगा सी करेक्ट आंसर। अब चलिए, आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन टू, तो आपका सॉरी छमा और देख लेते हैं, छमा आपका रह गया, छमा आता है दो बिंदुओं, ठीक है, ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू के बीच की दूरी आपको निकालनी है, ठीक है। तो आपको सूत्र लिख देना, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, आपका छमी का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट, ठीक है, कोष्टक एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए, आपके यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आते हैं आपके रिक्त स्थान, ठीक है, रिक्त स्थान आते हैं तो हम इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा बिल्कुल आपको सही, ठीक है। तो आपका आता है प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य, ठीक है, अभाज्य हो जाएगा इसका आंसर, आप यहाँ पर देख लीजिए, अभाज्य आपका इसका आंसर रहेगा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर दूसरा था द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के व्यक्तर का सूत्र डी बराबर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, हम लिख के दिखा देते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका रहेगा, ठीक है, आंसर दूसरे का। फिर तीसरा आता है यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद 3n प्लस 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद डॉट डॉट होगा, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, तीसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका 5 रहेगा। फिर चौथा आता है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा, ठीक है, तो इसमें आपका क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका छेदक, ठीक है, आपको यहाँ पर इसका आंसर रहेगा छेदक, ठीक है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अब आता है पांचवा, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव दोनों होता है, तो इसमें रहेगा आपका समान, ठीक है, समान होता है, तो आपका यहाँ पर पांचवें का उत्तर आपका यहाँ पर समान हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर पांचवें रिक्त स्थान का आंसर हो जाता है। अब छह में आता है, 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण डॉट डॉट होगा, तो इसका आंसर है आपका 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको जो यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर इसका लिखित सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, ठीक है, तो लिखित सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है, आपका रिक्त स्थान का लिखित सॉल्यूशन है, ठीक है। अब चलिए, आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न, आपके यहाँ पर प्रश्न तीन आता है, आपके यहाँ पर सत्य लिखिए, ठीक है। तो पहला आपके यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है, तब
वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो पहला आपका यहाँ पर बिल्कुल असत्य है, ठीक है, पहला आपका यहाँ सत्य रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर दूसरा आता है, यदि किसी द्विघात समीकरण की व्यवस्था का मान शून्य है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर रहेगा सत्य, ठीक है, बिल्कुल आपका राइट रहेगा सत्य यानी। फिर तीसरा आता श्रेणी दो माइनस दो, दो माइनस दो एक समानता श्रेणी है, तो जो आपका तीसरा वो आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पर बिल्कुल असत्य है। चौथा आता है क्षैतिज तल में ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अनुमान कोण बनाती है, तो चौथा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, ठीक है, चौथा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अब आता आपका यहाँ पर पांचवा, एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई, ठीक है, पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है, तो पांचवें का आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य रहेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पांचवा आपका सत्य हो जाएगा। छठवां आता किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती, तो ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है, एक यहाँ पर कोई भी प्रायिकता हो, चाहे वो निश्चित घटना हो चाहे अनिश्चित घटना हो, या ठीक है, उसकी प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है, जो यहाँ पर निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता एक होती है, ठीक है, हमने बता दिया। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सत्य असत्य का हो जाता है सॉल्यूशन। आप चलिए आपकी जो आती है यहाँ पर सही जोड़ी वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पर अच्छे से देखना है। तो आपके यहाँ पर आती है पहली यहाँ पर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको आपको यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा से मैच करना, ठीक है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। पहली आपकी यहाँ पर रहेगी, ठीक है, पहली आपकी ए वाली हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर आपकी जो यहाँ पर दूसरी आती है, दूसरी आपकी आती है सेक थीटा, तो सेक थीटा को आपको वन बटे में कॉस थीटा से मैच करना है, आपकी दूसरी हो जाएगी। फिर तीसरी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो तीसरा को मैच करना है आपको यहाँ पर एक से, ठीक है, इस साइड आपकी दी गई हुई है, आपको यहाँ पर देख लीजिए तीसरी आपकी, आपको एक से मैच कर देना है। और जो चौथी आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है, इस साइड दी गई है, तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथी आती है व्रत की परिधि, तो व्रत की परिधि होती है आपकी क्या, ठीक है, टू पाई आर से मैच करना आपको व्रत की परिधि को, चौथी आपकी यहाँ पर हो जाएगी ए वाली, ठीक है, टू पाई आर ये आपकी चौथी हो जाएगी। और फिर आपका यहाँ पर आता है पाँचवा व्रत का क्षेत्रफल, तो आपको पता होगा जो व्रत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इस साइड आपके यहाँ पर दिया है, तो आपकी पाँचवीं हो जाएगी, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं छठवीं, तो छठवीं आती है आप यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता तो जीरो होती है, ठीक है, ये आपकी छठवीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए आपके आते हैं एक सदभाग में होता, तो इनको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पहला आता है यदि किसी द्विघात समीकरण के व्यक्तक मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रगति कैसी होगी, तो इसके जो आंसर वो हम आपको एक साथ लिखित दिखा देंगे। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। तीसरा आता है व्यक्ति की स्पर्श रेखा व्यक्त तो कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। चौथा आता बिंदु एक चार और तीन दो को मिलाने वाली रेखा करने के मध्य बिंदु की निर्देशांक लिखिए। मैं पाँचवा आता घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। मैं छठवा आता दो चार आठ सात पाँच चार नौ छः सात एक सात का बहुलक क्या होगा, ठीक है, आपको इसका बहुलक बताना है। अब चलिए जो लिखित सॉल्यूशन है वो आप देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर एक सदभाग में होता है सॉल्यूशन। पहले का आंसर रहेगा आप, पहले का आंसर रहेगा आपका मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। दूसरे का आंसर रहेगा हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। तीसरे का आंसर रहेगा आपका केवल एक। और चौथे का आंसर रहेगा आपका दो तीन। पाँचवें का आंसर रहेगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप यहाँ पर देख लीजिए। और छठवें का आंसर आपका सात हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक सदभाग में होता है वो भी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन छः। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन छः आता है, आप यहाँ पर इतनी व्याख्या कीजिए कि, ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है, जो इसका आंसर है जो आपके यहाँ पर छठवें का अथवा देख लेते हैं। छठवें का आपका अथवा आता संख्या 5005 को आभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में लिखिए। चलिए जो इसका आपका यहाँ पर छठवें का अथवा इसका हम सोल्यूशन आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये आपके यहाँ पर छठवें का अथवा का सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, इसी को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ये आपका छठवें का अथवा का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन। तो सातवां आता संख्याओं 6, 72 और 120 का आभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सातवें का आंसर हो जाता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा और हल आपका नीचे लिखा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपका क्वेश्चन सातवें का सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, जो आपके एलसीएम निकल के आएगा वो आपका 6 निकल के आएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए जो आपके यहाँ पर जो आपके इसमें निकालना था आपको एलसीएम निकालना था, ठीक है, तो एलसीएम आप यहाँ पर देते हैं, जो आपके एलसीएम है वो आपका 360 है, ठीक है, आप यहाँ पर देते हैं आपका एलसीएम है आपका यहाँ पर 360 और एलसीएफ आपका 6। अब चलिए आपका यहाँ पर सातवां देख लेते हैं, सातवां करा दिया, ठीक है, आठवां देखना है। तो आठवां आपका यहाँ पर आता है, तो जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, आठवां आप यहाँ पर दे दो x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए।
तो यार ये जो इसका सॉल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रहा इसका आंसर, ठीक है। ये आपका पूरे यहाँ पर आंसर है जो आपका यहाँ पर दिया, दो ज्ञात बल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ, शून्य ज्ञात करने पर ए एक्स ए, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बराबर आपका एक हो जाएगा बी बराबर माइनस दो और सी बराबर माइनस आठ, ठीक है, विभक्तता के सूत्र में। तो इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर हल करना है, आपके यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जल्दी से आपको यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर आठ में का पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नौवां क्वेश्चन। तो जो आपके यहाँ पर दिया है दो ज्ञात बल बहुत एक्स ज्ञात दो माइनस तीन के शून्य का योग ज्ञात कीजिए, तो इसका सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये रहा इसका आपका सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपके यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नौवीं का सॉल्यूशन है, ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर दसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नौवां क्वेश्चन तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, अब दसवां क्वेश्चन की बारी आती है, ठीक है। तो दसवें क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना है। तो दसवां क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है, जो दसवें का अथवा आता है दो चरवाही रेखा समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हों, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, जो आपका दसवां क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पर दसवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले तो आप इतना स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जल्दी से आपको यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लेना है, और फिर आपको इतना यहाँ पर दिया गया, ठीक है, इतना और स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आपका यहाँ पर क्वेश्चन दसवें का पूरे यहाँ पर जो सॉल्यूशन वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, आपने स्क्रीन शॉट ले लिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन दसवें का अथवा का सॉल्यूशन करा दिया। अब चलिए आपके यहाँ पर ग्यारहवां क्वेश्चन आता है। तो ग्यारहवां क्वेश्चन आता है आपके यहाँ पर, ठीक है, ग्यारहवीं का जो आपके यहाँ पर आता है द्विघात समीकरण, आपको के का मान ज्ञात करना है, ठीक है, इसमें। तो जो आपके यहाँ पर दिया ग्यारहवीं का अथवा जिसमें आपको के का मान ज्ञात करना है, जो हमने आपको दसवें दिखाया दसवें में, ये बार आपका दस ग्यारहवीं का सोल्यूशन है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन ग्यारहवीं दसवीं का अथवा का सोल्यूशन, और ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन ग्यारहवीं का, ठीक है, सोल्यूशन। तो आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसमें आपका के का मान छः निकल के आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन ग्यारहवीं का अथवा का सोल्यूशन हो जाता है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन बारह। तो जो आपके यहाँ पर दिए समांतर श्रेणी, ठीक है, बारह अठारह पंद्रह कौन सा पद मान इक्यासी है, तो इसका आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर हो जाता है सॉल्यूशन क्वेश्चन बारहवीं का, ठीक है। जो आपके यहाँ पर मन माइनस इक्यासी समांतर श्रेणी का पैंतीसवां पद है, ठीक है, जो माइनस इक्यासी माइनस इक्यासी वो आपका पैंतीसवां पद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बारहवीं का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख ले तेरहवां। तो जो आपके यहाँ पर दिया डी, ठीक है, आपसे यहाँ पर समांतर बी सी है, तो ई सी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपका इसका चित्र भी आप यहाँ पर देते हैं, ये आपके यहाँ पर बना हुआ डायग्राम, ठीक है। तो चलिए इसका जो सॉल्यूशन वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर क्वेश्चन सोलहवें का सॉल्यूशन, ठीक है, इसका जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आपका 2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं, आपका ई सी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर सोलहवें का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, तेरहवें का सॉल्यूशन था आपका ये, ठीक है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। चौदहवां आता है, तो चौदहवां आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया चौदहवें का अथवा, तो चौदहवें का अथवा का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर चौदहवें का अथवा का सॉल्यूशन है, जो आपका आंसर है वो आप यहाँ पर दे लीजिए। आपका आंसर यहाँ पर दिया है, ये आपका यहाँ पर चौदहवें का अथवा का सॉल्यूशन पूरा आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पंद्रहवां क्वेश्चन। तो पंद्रहवां क्वेश्चन आता है, जो आपका पंद्रहवें का अथवा जिसमें आपको मान निकालना है, ठीक है, तो इसका आंसर भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पंद्रहवें का अथवा का सॉल्यूशन है, जो आपका मान निकल के आएगा वो आपका 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ठीक है, पंद्रहवें का अथवा का आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सोलहवां। तो सोलहवां आता है, जिसमें आपके यहाँ पर आपका जो जो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया एक चित्र वाला, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सॉल्यूशन है क्वेश्चन सोलहवें का, पूरा आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। आपके यहाँ पर क्वेश्चन सोलहवें का सॉल्यूशन हो जाता है, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब आता है आपका यहाँ पर सत्रहवां क्वेश्चन, ठीक है। तो सत्रहवां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपके यहाँ पर दिया गया एक बॉक्स में 3 नीली 2 सफ़ेद और 4 लाल, ठीक है, 4 लाल कंचे हैं, जो इसका सॉल्यूशन वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देख लेना है, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके यहाँ पर सॉल्यूशन रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर, ठीक है, हल स्टार्ट हो जाता है बक्से में कुल कंचे 3, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर हल करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आप पूरी का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन सत्रहवें का। अब चलिए आपके यहाँ पर अठारहवां क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो 18वां जो आपका आता है, जो आपका दिया 1.5 मीटर, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपको यहाँ पर मीरा इस तरह से आपको यहाँ पर चित्र बनाना, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और इस तरह से चित्र बनाने के बाद फिर आपको यहाँ पर इस तरह से इसका जो आंसर है वो लिखना है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर पूरा आंसर यहाँ पर दिया गया, तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 18वीं का आंसर हो जाता है, इसका आंसर निकल के आएगा आपको 30 मीटर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से हम फिर से आपको दिखा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन 18वीं का पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। तो जो आपका यहाँ पर 19वां आता है, ठीक है, जो 19वां है जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जो आपको किसी बिंदु ए जो वृत्त एक वृत्त के 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर क्वेश्चन 19वां का सॉल्यूशन है, ठीक है। जल्दी से पहले तो आप इतना स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीन शॉट लेने के बाद फिर आप यहाँ पर इतना और स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसका आंसर आपका जो त्रिज्या वो आपकी 3 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां प्रश्न। तो चलिए आपके यहाँ पर जो प्रश्न है, हम आपको प्रश्न है तो आपको पेपर तो स्कूल से मिल गया होगा, सीधा हम आपको आंसर बता देते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका 20वां प्रश्न का सॉल्यूशन है। आप प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ सकते हैं और आपके नीचे आंसर लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आएगा 6√3 मीटर। अब फिर आपका यहाँ पर आता है 21वां प्रश्न। तो 21वां प्रश्न का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 21वां प्रश्न का सॉल्यूशन है, साथ ही आपका इसमें क्वेश्चन भी लिखा हुआ है ऊपर और नीचे आंसर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका x बराबर 6 y बराबर 0 है, ठीक है, आपका आंसर आ जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए 22वां। तो 22वां आप यहाँ पर, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो पहले तो आप इतने स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आपको यहाँ पर इतना और लिखना है, ठीक है। इस तरह से हम आपको पूरा दिखा देते हैं, इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ 22वां का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर 23वां का सॉल्यूशन आप देख लीजिए, आपके यहाँ पर 23वां का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है सॉल्यूशन, और साथ ही आपको यहाँ पर सभी विषय का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, ठीक है, लिंक आपको, ठीक है, आपको सभी विषय का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा सेट ए और बी का, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकन, बाय बाय।